अब हम जा रहे हैं वो 1000 स्टेप जो बताया था पैनोरमिक व्यू देखने के लिए, वहाँ ऊपर जाना है हमें। उसके लिए जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही हो ऊपर कॉर्नर में, वहाँ जाना है। उसके लिए हम चल दिए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, क्रूज से उतर के। और देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस, कैसे जाते हैं अंदर, क्या है इसकी कहानी। Smoking is not allowed in there. Hi guys. Can you wait to me, please? And ladies and gentlemen, you have only 1 hour to go visit the cave. But also guys, and after 1 hour, about 2:15, you will be that side over there. But get back to the boat. Yeah. It means we have only one way to go inside the cave, and don't going back the same way. 2:50, you will be that side to going back to the boat. And so, ladies and gentlemen, look at this, and you see the name of the cave, Hang Sung Sok. Hang Sung Sok. Hang means cave, and Sung Sok means surprise, surprising cave. And now, are you ready to walking about 1,000 steps? Yes. Okay. Yeah. 2:50. 2:51, see you tomorrow. Okay, this way. Thank you. ब्रदर समझा रही थी हमें 2:50 तक आ जाना है अदालत में, और क्या है ये केव, सरप्राइज केव कहते हैं इसे। और उसने कहा 2:50 तक आ पाएंगे, जो 2:51 पे कल मिलेंगे आपसे। इसका मतलब बेसिकली कि 2:50 से और ज़्यादा लेट आप नहीं कर सकते, वो लास्ट टाइम। केव पे चढ़ना इतनी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतने रश के साथ चढ़ना थोड़ी सी दिक्कत की बात होगी। 1000 स्टेप्स पर ठीक है, टिकट इन्होंने पहले ले रखी है हमारी, वहाँ की भी काफ़ी सारी चीज़ें की टिकटें इनके पास पहले से थी मौजूद, तो हमने यूज़ नहीं करा, बट उसे ऐसे यूज़ करेंगे क्योंकि इट्स समथिंग ऑनलाइन। These are the key of surprise. अभी तो आए नहीं ऊपर, भीड़ ज़्यादा थोड़ी सी दिख रही थी नीचे से, दिखा रहा था मैं आपको ये वाली जगह थी, सारी जगह पर लग रहा था ना यही है केव। ओरिजिनल केव है गाइस, ये है ओरिजिनल केव अंदर आके, और काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ पर, टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है अंदर, और सीरियस सरप्राइज केव कहते हैं इसे। आगे का रास्ता और ख़तरनाक होने वाला है, इधर तो जाने से एंट्री हमें कर रखी है, इधर नहीं जा सकते हम, इधर और एंट्री यहाँ ऊपर है, ऊपर चढ़ के जाने में। थोड़ी सी मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी, थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ माइक कनेक्ट करके मैं आपको आवाज़ सुना पाऊँ। और बड़ी खतरनाक जगह है, मेन दिक्कत की बात है रश थोड़ा ज़्यादा है, सिंगल पर्सन अंदर जा सकता है ऊपर, और भीड़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ऊपर जाने के लिए, ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। चलो मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ इन सीढ़ियों तक, तो मैं आपसे बात करूँगा कंटिन्यू। Thank you.
That's why it's called Cave of Surprise. इसलिए कहते हैं भाई Cave of Surprise. You can see that there is a way from the first one to this one. That is a way. That is the way to go from there to here. Yes. In the old time. No. बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार. मेरे ऊपर देखो, केव के सारे पार्ट्स दिख जाएंगे आपको. और आगे हम चल ही रहे हैं यार केव में और अंदर. ये इसीलिए तो मैं आना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है द केव इज अ मस्ट विजिट. चलने पड़ते हैं 1000 steps. आई नो वर्थ है. वहाँ से आए थे हम 4 बजे गए हैं. आगे जा रहे हैं दोबारा उधर. रश काफी है. कैसे बनी होगी ऐसे शहर में, क्या होगा इसके पीछे का आर्किटेक्चर, कैसे क्या हुआ होगा. बंदर ऐसी केव्स बनती हुई है. चलो जाता है आगे. एक्सप्लोर करते हैं पूरे एरिया. Que é da Virgem Maria, que ela chama meio, não sei se chama, o nome dela é Maria, mas como देखने वाला क्योंकि हमारे पीछे एक लंबी चौड़ी भीड़ लाइन है. और अभी हम जा रहे हैं और अंदर एक्सप्लोर करते हुए. ये बहुत सकरा रास्ता है क्रॉस करने का. उसके बाद है आगे. वाह, हर एक एंट्री के बाद एक नया एरिया निकल के आता है, इसीलिए इसे कहते हैं द केव ऑफ सरप्राइज. इसकी ये चीज़ें जस्टिफाई करती हैं इसका नाम. ऐसे जस्टिफाई हो जाता है. एक्सक्यूज मी मैम, थैंक यू. तो इतनी खूबसूरत केव को देखते हुए निकल रहे हैं. मैं आपको बैक साइड में दिखा देता हूँ कुछ एरिया. ये देखिए, और पूरी केव एक्सप्लोर करनी है हमें. और आगे जा रहे हैं भाई जी. एक्सक्यूज मी ब्रदर, ये देखो यार, ये गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे आपको. और इतना बड़ा एरिया केव का खुला दिख रहा है. इसके बीच में उन्होंने लाइटें लगा के रास्ता बना रखा है. एंड ये देखो गड्ढे की तरह नीचे गड्ढा है. और ये नेचुरली मेड केव्स हैं. थोड़ा बहुत उनका अल्ट्रेशन करके पुराने टाइम के लोग ने यूज़ किया करते थे. और अब जो है इन पे पाथवे बना के टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं. पीछे दिखाता हूँ आपको सारा एरिया. तो भाई
केव तो बड़ी खतरनाक है। अभी और आगे देखो, अभी ख़त्म नहीं हुई है, 1000 स्टेप पूरे करके ख़त्म हो गई। यहाँ लोग फिर से थोड़ा रुक गए हैं। एक्चुअली इनका टूर गाइड जो है ना, रुक रुक के खड़ा करके उन्हें कहानी अलग तरीके से समझाता है, पूरा रेफरेंस देता है उस चीज़ का। इसके आगे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से घूम के हम जाएंगे दूसरी साइड, निकल के वापस आएंगे, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता है अपने आप में। केव देख लो, बेहतरीन। अब भी इतनी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो गड्ढे नीचे, इधर और साइड में, दैट्स व्हाई Cave of surprises. चाइनीज में समझा रहा है ये बात को, इसलिए कम पल्ले पड़ रही है। लेकिन वो बता रहा है कि एक तो आइसिंग दिख रही है जो आपको टपकती दिख रही है, वो समय के साथ में, इतनी एज होने के साथ में धीरे धीरे रिसी है वो नीचे को, इसलिए उसी शेप बनी हुई है ऊपर। जो ऊपर आपको शेप दिख रही हो, मैं दिखाता हूँ, ये टपकने जैसी शेप जो दिखाई दे रही है जगह जगह, ये उसकी वजह से आइसिंग कहते हैं इसे इनकी लैंग्वेज में। तो वो आइसिंग टाइप हुई है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके पत्थर भी इवन रिसे हैं नीचे की तरफ। हज़ारों सालों की इसकी कहानी है, इसलिए ऐसे रिस रिस के पोजिशन ऐसी हो गई है। और इसमें जो है दो मार्क बने हुए थे, समझ लीजिए डायनासोर टाइम के मार्क हूँ। बता रहा था वो चाइनीज़ ने, ग्रुप भी चाइनीज़ था, इसलिए उन्होंने अपना गाइड भी चाइनीज़ कर रखा था। हमारी गाइड पीछे इंग्लिश गाइड है, और थोड़ा सा इरीटेट हो जाता है जनरली गाइड के साथ चलो झुंड में चलो, थोड़ी सी इरीटेशन होती है मुझे उससे, इसलिए आ गया मैं अभी यहाँ, क्योंकि पहले ही मैं उनको रोड में बहुत इरीटेट हो चुका था अपनी गाइड से। अब वो एक्चुअली मुझसे इरीटेट हो चुकी थी, इतना परेशान किया मैंने। अभी हम उस सारे एरिया में भी हम घूम के आए हैं, वहीं से लौट के आ रहे हैं वापस। ये इंग्लिश में होता है, सी दिस इज द टर्टल शेप। बहुत बड़ा टर्टल एक हुआ करता था जो इसी ज़मीन में मिल गया और यहीं ख़त्म हो गया, उसके स्टोन बन जाते हैं। आपने ये चीज़ देखी होंगी कि कोई डेड बॉडी होती है किसी की, हार्ड शेल, तो समय के साथ में वो स्टोन में बदल जाती है, पत्थर बन जाती है वो। तो आप उससे, इनका कहना है कि आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं, एंड मैंने मांग लिया जो मुझे मांगना था। बट ऐसा है, किसी के बिलीव को ना हमें इंसल्ट करना चाहिए, ना किसी के बिलीफ को हमें डिनाई करना चाहिए। साफ साफ उनका बिलीफ है, बाकी ही इज़ अ डेड टर्टल एक्चुअली। पर अगर कोई मानता है तो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मानते हैं वो लोग, वैल्यू देते हैं तो अच्छी बात है। और अगेन अगेन नई जगह, यहीं से हम निकल के आए थे अभी। अच्छा, एक्चुअली आई यूज टू शेयर सो मैनी थिंग्स विद यू। ऊपर से पानी टपक रहा है भाई, थोड़ा सा हमारे ऊपर टपका, इसकी वजह से ठंडा रहता है। और इधर पड़े हैं स्टोन्स उल्टे पुल्टे भाई, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है थोड़ी है, लेकिन देखना पूरी। देखो यार, हर वीडियो में एडवेंचर है। मैं इतनी दूर आके इतनी मेहनत करके ये सब देख रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आप घर बैठे देख सकते हो बड़े आराम से हमारे चैनल। गाइस थक तो गए थोड़े से, पसीने भी आ रहे हैं, बट ठीक है, वर्थ है इसकी। देखो मैं आपको दूसरा एरिया दिखाता हूँ, ये साइड, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी स्टाफ मेंटेनेंस वाले बैठे हुए हैं,
और कितना ज़्यादा बेहतरीन है यार, ये मज़ेदार, एकदम मज़ेदार, बहुत बढ़िया यार। ये देखो नेक्स्ट टाइम इतना बड़ा, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे एक रिसेप्शन काउंटर है, गेस लगाया हुआ है उन्होंने अंदर केव की। यहाँ पे कोई कुछ राइड समथिंग हुआ करता था, मैं भी उसके लिए लगाया हुआ है, कर दिया है, बड़ी फंक्शनल नहीं है। दूसरी साइड से बाहर निकालती है, जाते आप दूसरी तरफ से, आते वापस दूसरी तरफ से। अभी माइक में चेक करेंगे क्या कहती है हमारी क्रूज की। तो ये सोविनर्स हैं जिन्हें मिलते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें। $160,000, $160,000, $40,000, $50,000 थैंक यू। तो भाई थोड़ा एग्जॉस्टिंग तो है, पसीने तो भयंकर तरीके से आ रहे हैं मुझे, टपक रहे लिटरली, पर इतना बेहतरीन है कि मैं अभी भी दिखाऊंगा तो अभी भी हम लोगे कि देख के मज़ा आ रहा है जेन्युइनली यार। ये देख, बहुत दूर हैं लोग, इनके साइज़ से पता लग रहा होगा आपको, है ना। ये सारा यहाँ से लेके वहाँ तक हम ट्रैवल करते हुए आए हैं, एंड जेन्युइनली इट्स केव ऑफ सरप्राइज, सो मेनी सरप्राइज अध्य जो हमें मिले। एंड अब हम उतर रहे हैं नीचे, 1000 steps नीचे उतरना है, 1000 steps ऊपर चढ़ने के बाद, और सीधे वहाँ पे हमारे क्रूज खड़े हैं, जो स्काई ब्लू कलर का वो दिख रहा है आपको, स्काई ब्लू किनारी वाला वो दिख रहा है आपको, वो है हमारा, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ यार बार बार, एस्थमाइन एस्थमाइन या समथिंग जो था यार, वही से हमारा वही है। एंड अब हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ देखो कितना नैरो एरिया, मैं दिखाता हूँ कितना नैरो है, यहाँ से निकलना पड़ेगा आपको। तो टफ काम है और मज़ेदार काम है जनरली। यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं, पेड़ हैं सूखे कई, तो उनमें रिस्क रहता है, इसलिए यहाँ पे जगह जगह नो फायर नो स्मोकिंग के साइन लगे हुए हैं, कहीं कोई स्मोक ना करने लग जाए और जिससे कुछ आग लगने के चांसेस बन जाए। दे हैविंग फन एक्चुअली, फोटोग्राफ स्किप करा रहे हैं लोग, एंड हाँ थक तो गए होंगे सभी मेरी तरह, आई एम स्वेटिंग अ लॉट, लिटरली सीधा नीचे टपक रहा है पसीना, पर वर्थ था इसलिए हम गए थे, नहीं होता तो नहीं जाते। जैसे स्पीड बोट और
बाकी चीज़ें हमने स्किप कर दी थी, वैसे इसे भी स्किप कर सकते थे, बट यहाँ जाने की बात थी इसलिए हमें जाना पड़ा। और ऑब्वियसली मज़ा आया भैया। अब वापस क्रूज पर जाएंगे, आगे की आइटनरी मैं फ़ोन में देख लेता हूँ इतने टाइम कि आगे कैसे कैसे क्या होगा, उस अकॉर्डिंग सोच के चलेंगे, माइंडसेट बना के अपना। अरे आइटनरी मैंने आते के साथ ही आई गेस फोटो क्लिक कर लिया था, हाँ जी मिल गया। अब 250 पे इसका हाल होंगे कि हाँ सनसेट केव का 315 पे टाइम था आने का, 250 ये 230 इन्होंने टिटो आइलैंड जाना था जो कि मे बी ज़्यादा लेट हो गया टिटो आइलैंड के लिए, क्योंकि 250 पे तो हम उतर ही रहे हैं इस टाइम, टिटो आइलैंड पे ही रुकना है अब हमें। हाँ भाई अब यहाँ से जाके टिटो आइलैंड पे ही रुकना है, बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो क्रूज पर, जाओ क्रूज पर रहो, उसके बाद 4 बजे हुआ टी ब्रेक, देन 5:15 पे वापस हम पहुँचेंगे अपने पोर्ट पर, पोर्ट से हमें मिनी वैन या बस या कार लेके जाएगी वापस हमारे होटल। बाकी मैंने ये करा है ऐसे, मैंने होटल जाने की जगह कर दिया है वो, मैंने बोल दिया मतलब उनकी टीम से कि आप मुझे छुड़वा दीजिए म्यूज़ियम पे, नो सॉरी ओपेरा हाउस पे, ये बगल में सी है एंड ये इन्होंने पाथ बना रखा है चलने के लिए, तो विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, लुक अच्छी है इसकी। इस ब्यूटीफुल से पाथ से क्रॉस होके आप पहुँचोगे अपने क्रूज पर। मे बी जो लग चुका हो अब तक, मुझे ऐसा लगता है वो साइड में खड़ा हुआ है, उसका टाइम होगा 250, तभी वो आके लगेगा यहाँ, और एक बार हमें टाइम भी देख लेना चाहिए। टाइम 2:36 हो रहा है, हम पहले आ गए हैं, वो मैडम ने इतनी ज़ोर से डराया कि 250 मिलते हैं आपसे, और अगर आपको 251 हो गए तो कल मिलेंगे फिर आपसे इसी टाइम, तो लोग डर गए तो मुझ जैसे 2:36 पे ही आ गए वापस, और फिर करते भी क्या से ज़्यादा। देखो इनको शेल्स ने पकड़ लिया नीचे से, ये होती है सी में रहने की वजह से चीज़ें, मे बी समवन इज़ देयर, पानी के जस्ट मोमेंट से प्रेशर बनना है ये, हाँ इज़ ग्रेट। बहुत सारे सोवेनर्स हैं, सामान हैं बड़े बड़े साइज़ के, लेकिन दिक्कत ये है सामानों के लिए कि इन्हें बैग में रख के ले आ नहीं सकते, मेरा बैगेज पहले से बहुत ज़्यादा टाइट है, तो अगर मैं कोई सामान लेके भी जाऊँगा तो इट शुड हैव टू बी अ सॉफ्ट आइटम, जैसे टूटने फूटने का चक्कर ना हो, या फिर जैसे कपड़ा वगैरह होता है ना सॉफ्ट, ऐसा कुछ कहीं भी एडजस्ट हो जाए, टूटने वाला ना हो, हार्ड ना हो, हैवी ना हो, वो ले जा सकता हूँ मैं, इसके अलावा नहीं ले जा सकता हूँ कुछ भी। अभी भी आप खतरनाक होना बंद नहीं हुई है, देखो दिखाऊँ यहाँ से केव जा रही है अंदर एक और इट इज़ इंटरेस्टिंग सीरियसली। हमारा क्रूज जो है अभी आई गेस लगा नहीं है, ये लोगों ने मोटा करवाने नहीं, ये लोगों ने वो करवाना, आप तो दे दे।